दोस्तों आमतौर पर देखा जाए तो गूगल पे का यूज छोटी से लेकर बड़ी लेन देन तक किया जा रहा है। अब छोटा अब फुटकर व्यापारी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति पेमेंट देने और लेने के लिए गूगल पे का यूज कर रहे हैं। तो कुछ नए यूज़र आ चुके हैं, उनको गूगल पे की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो उनका कहना है कि हमारा पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है। तो आखिर ये पेंडिंग में क्यों गया, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो पेंडिंग से रिलेटेड बहुत सी बातें उनके मन में होती हैं। तो आज हम आपके क्लियर कर देंगे गूगल पे के पेंडिंग पेमेंट से रिलेटेड। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू सीरीज क्लास तक शुरू देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर दी। दोस्तों जब आप अपने गूगल पे से एक यूज़र को पेमेंट भेजते हैं तो कुछ टेक्निकल इशू होती हैं, कुछ समस्या होती है, सर्वर डाउन होता है या कुछ ऐप के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके वजह से पेमेंट पेंडिंग में आ जाता है। अब दोस्तों इस पेमेंटिंग में आ जाएगा तो आपको 48 घंटे तक इंतज़ार करना है। अगर 48 घंटे तक आपके स्टेटस में पेंडिंग की जगह सक्सेसफुली दिखाता है तो रिसीवर के पास आपका पेमेंट पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर वो दिखाता है कैंसल यानी कि स्टेटस में विफल हो गया है पेमेंट, तो आपके अकाउंट से पैसा भी कट गया है, तो आप वेट कीजिए, 48 आवर्स में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर उस कंडीशन में आपका पैसा रिफंड नहीं हुआ है तो आप 3 से 5 दिन वेट कीजिए, क्योंकि जब पेंडिंग से पेमेंट कैंसिल होता है तो सर्वर में रह जाता है, तो उसे आने में 3 से 5 दिन लग जाते हैं। अगर दोस्तों 3 से 5 दिन आपको पूरे हो जाएं और फिर भी आपका पेमेंट रिफंड नहीं आए तो क्या करना है दोस्तों, आपको कैंसिल पेमेंट की UTR नंबर या ट्रांजेक्शन ID लेकर जानी है, जो आपको गूगल पे के हिस्ट्री में मिल जाएगी। उस ट्रांजेक्शन ID को आपको अपने बैंक के पास लेकर जाना है, बैंक के एम्प्लॉय या मैनेजर से बात करके बतानी है कि ये मैंने पेमेंट किया है, पेंडिंग में था फिर कैंसिल हो गया, अभी मेरा पेमेंट रिफंड नहीं आया। तो दोस्तों वो ट्रेस करके बताएंगे उस ट्रांजेक्शन ID या UTR नंबर से कि आपका पेमेंट कहाँ फंसा है, और जो भी स्टेटस होगी वो आपको बता देंगे। दोस्तों क्या होता है, बहुत से लोगों के पास पैसा पहुँच भी जाता है और वो मना भी कर देते, तो उस कंडीशन में भी पता पड़ जाए कि उसके पास पैसा गया है कि नहीं गया। तो दोस्तों आपको डेफिनेट 48 घंटे का इंतजार करना होगा पेमेंट के लिए, है ना। स्टेटस क्या होती है, 48 घंटे के बाद अगर स्टेटस आ जाता है सफल तो ठीक है, अगर विफल होता है तो आपका पेमेंट कट गया, तो आपको रिसीव के लिए 3 से 5 दिन वेट कीजिए, अगर नहीं आता तब आप बैंक की प्रोसेस कर सकते हैं। तो कुछ पेंडिंग से रिलेटेड ये बेसिक जानकारी थी। बहुत से यूजर पूछ रहे थे कि गूगल पे में अगर पेमेंट पेंडिंग हो जाता है तो हम क्या करें। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।